हाय टोटोरों, कैसे हैं आप सभी। मेरे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। मैं आपके लिए एक बढ़िया और टेस्टी और इंटरेस्टिंग सब्जी लेके आया हूं, जो है करौंदे की सब्जी। करौंदे की सब्जी आप आसानी से घर में बना सकते हैं, ये आसानी से आपको मार्केट में मिल जाएगी। ये बहुत ही चटकारेदार लगती है। ये हल्का सा करौंदा पका हुआ होता है और आप कच्चा भी ले सकते हैं। इसमें ये हल्का सा खट्टा मीठा होता है। मैंने सोचा चलिए इसकी इंटरेस्टिंग सब्जी बनाते हैं, चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमारे पास कुछ चीजें होना चाहिए। हमारे पास ये पका हुआ करौंदा है, इसको हमने काट के इसके बीज निकाल के रख लिए हैं और इसको अच्छी तरह धो लिया है। आप इसको कच्चा भी करौंदा ले सकते हैं, ये हमने पका हुआ लिया हुआ है। फिर हमारे पास 8 से 10 हरी मिर्च है, इस तरह से इसकी डंडियां निकाल लेंगे। निकालने के बाद इसकी हरी मिर्च को अच्छी तरह धो लेंगे। धोने के बाद इसको अच्छी तरह से कट करेंगे। इस तरह से आप बड़ी बड़ी साइड में कट कर सकते हैं, आप चाहे तो बारीक कट कर सकते हैं। इस तरह से आप मिर्चियों को कट कर लेंगे। आप इसमें स्पाइसी थोड़ा कम कर सकते हैं, मैंने थोड़ा सा ज्यादा रखा हुआ है, क्योंकि ये करौंदा जो होता है ये हल्का सा खट्टा होता है, हल्का सा बहुत ही बारीक हल्का सा मीठा होता है। जो आप अगर इसमें स्पाइसी थोड़ा ज्यादा रखेंगे तो बैलेंस हो जाएगा, इसमें खाने में अच्छा लगेगा। फिर हमने इंडक्शन और कर लिया है। इंडक्शन और करने के बाद हमने एक फ्राई पैन रख लिया है। फ्राई पैन को हल्का सा गर्म होने देंगे। गर्म होने के बाद में इसमें ऑयल डालेंगे। मैंने इसमें सोयाबीन ऑयल यूज किया है, आप चाहे तो इसमें मस्टर्ड ऑयल यूज कर सकते हैं। फिर बाद में हमने इसमें 2 चम्मच सोयाबीन ऑयल डाल दिया है। इसको हल्का सा गर्म होने देंगे। गर्म होने के बाद में फिर हमारे पास ये 1 चम्मच ये मेथी दाना है, मेथी दाना इसमें हम डाल देंगे। इसकी तरह अच्छी तरह इसको गोल्डन ब्राउन करने देंगे। इस तरह देखिए ये गोल्डन ब्राउन हो चुका है। गोल्डन ब्राउन होने के बाद जो हमने बारीक काटी हरी मिर्च काट के प्लेट में रखी हुई थी वो भी इसमें डाल देंगे। इस तरह से डाल देंगे। डालने के बाद किसी चम्मच से इसे चलाएंगे, इसको हल्का सा चलाते रहेंगे ताकि ये नीचे लगे नहीं, जले नहीं। इस तरह से हम चलाएंगे। देखिए अच्छी तरह हमारी ये मिर्च भुन चुकी है। ये देखिए कितना अच्छा सा कलर आया हुआ है, कितनी अच्छी सी महक आई हुई है। फिर बाद में हमने जो अपने करौंदा काट के हुए रखे थे, बीज निकाल के हुए रखे थे, वो भी इसमें फ्राई पैन में डाल देंगे। इस तरह से आप डाल देंगे। डालने के बाद इसको अच्छी तरह से चलाएंगे। देखिए कितना अच्छा सा कलर आया हुआ है। इस तरह से आप इसमें डाल देंगे। डालने के बाद में हम इसमें हल्का सा अपने स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। देखिए इस तरह से नमक डालने के बाद इसको अच्छी तरह से चलाएंगे। देखिए कितना अच्छा सा कलर आया हुआ। इस तरह से आप नमक मिला के इसको कवर कर देंगे। इस तरह से हम इसको ढक देंगे। 5 मिनट बाद देखेंगे कितना अच्छा सा कलर आया हुआ है। फिर हम ये 5 मिनट बाद इसको हम अच्छी तरह इसको चलाएंगे। हमें एक चीज इसमें ध्यान रखनी है, हमें जो आँच है वो हमें धीमी रखनी है, मीडियम रखनी है आँच। इस तरह से हम कलछी से चलाएंगे। देखिए कितना अच्छा सा कलर आया हुआ है। देखिए कितनी अच्छी लग रही है। एक बार आप इसको घर में जरूर बनाइए, ट्राई करिए। आप एक बार पूड़ी और पराठे के साथ खाएंगे तो आप जो मार्केट में केमिकल वाले अचार होते हैं वो सब कुछ आप भूल जाएंगे। आप ये हेल्दी रहेगा आपके लिए, शरीर के लिए बहुत ही अच्छा और टेस्टी चटकारेदार लगेगा। इस तरह से आप घर पर बनाएंगे, अच्छा लगेगा। फिर हमने एक चुटकी इसमें हींग डाल दी है। हींग डालने के बाद हमारा जो सीक्रेट मसाला है इसमें डाल दिया। हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको शेयर करेंगे सीक्रेट मसाला। फिर बाद में हम इसे 5 से 10 मिनट के लिए और ढक के रख देंगे। देखिए इसका पानी हल्का सा छूट चुका है। इसको हम मीडियम आंच ही रखेंगे। देखिए कितना अच्छा सा कलर आया हुआ है। देखिए कितना अच्छा सा लग रहा है देखने में। इस तरह से आप कलछी से चलाते रहेंगे ताकि नीचे से लगे नहीं। इस तरह से आप बनाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा आपको खाने में। इस तरह से आपके मेहमान घर में आए उनको भी इसको दे सकते हैं, आचार के रूप में इसको प्रयोग कर सकते हैं, मेहमानों को खिला सकते हैं, तो वो भी आपकी तारीफ करेंगे। इसकी खास बात यह है कि आपको इसे 15 से 20 दिन तक इसको स्टोर करके भी रख सकते हैं। फिर हम अपनी हरी धनिया से गार्निश करेंगे। इस तरह से देखिए कितना अच्छा सा कलर आया हुआ। फिर क्या, खाइए खिलाइए और सब्सक्राइब करके जाइए। मैं चला।